लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। कोपरखेमे की एक सोसाइटी मल्हार अपार्टमेंट के रहिवासियों ने सामूहिक आत्महत्या की खुली चेतावनी दी है। नवीनबई पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत देते हुए रहिवासियों ने बिल्डिंग के कथित मालिक इंदर शेडगे पर आरोप लगाया है कि वह राजनीतिक रसूख के जरिए उनका मकान हड़पना चाहता है, जिसके लिए वह तरह तरह से प्रताड़ित करता है, मारपीट और गाली गलौज करता है। रहिवासियों ने कहा कि वर्षों की प्रताड़ना से वे इतने तंग और परेशान हो गए हैं कि उनके सामने अब आत्महत्या की नौबत आ गई है। रहिवासियों ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पुलिस आयुक्त, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानेश्वर शेंडगे नावाचा एक व्यक्ती आहे जो पॉलिटिक्स पॉवर दाखवून आम्हाला अक्षरशः राहणं आणि आमचं जगणं एवढं हैराण करून ठेवलंय की आत्महत्या करण्याशिवाय आमच्याकडे काहीच पर्याय राहिलेला नाहीये। बिल्डिंगमध्ये 10-12 मुलं आहेत छोटी छोटी, त्यांनी त्यांचाही विचार नाही केला आणि मी आज प्रेग्नेंट आहे 9 महिन्याची, त्यांनी आमचाही विचार केला नाही। आयुष्याची आमची जेवढी कमाई होती ना तेवढी आम्ही हे करून आम्ही पैसे जमा करून आम्ही रूम घेतलेले साहेब, आणि ह्यांनी पुढे आम्हाला आता म्हणतात की आमचं रूम खाली करा आणि आम्हाला रूम द्या म्हणून। आम्ही साहेब काय करायचं आता साहेब, आम्ही हमको 3-4 दिन से रूम से बाहर निकाला है, मेरा खुद का रूम हो गया, मैं बाहर निकली हुई भाड़े पे रहती हूँ, 9,000 भाड़ा भरती, फिर कहाँ जाएं हम लोग, क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे। आम्हाला तर फाशीच घ्यावी लागेल, आत्महत्याच करावी लागणार, दुसरं काय पर्यायच नाही आमच्याकडे। और पोलीस स्टेशन में भी हम लोग जा रहे हैं तो उधर उसकी उस पर सुनवाई नहीं हो रही कुछ, मतलब आत्महत्या करने के सिवाय हमारे पास क्या जा रहा है, कुछ कुछ बचा ही नहीं है ना, और क्या करें हम अभी आगे, तो हमको न्याय चाहिए। सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे ये कोपरखेमे सेक्टर 12D के रहिवासी हैं। इनका आरोप है कि NCP का एक कथित नेता इंदर शेडगे उनके मकान हड़पना चाहता है, पानी और बिजली कनेक्शन काट देता है, सीढ़ियां बंद कर देता है। इसकी सबसे ज़्यादा मुसीबत उन्हें झेलना पड़ रही है जो महिलाएं हैं, बच्चे या बुजुर्ग हैं। यहाँ दादागिरी का विरोध करने वालों को गालियां और जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। रहिवासी बताते हैं कि यहाँ चल रही गुंडागर्दी से सबका जीना हराम हो गया है। मल्हार अपार्टमेंट के रहिवासियों ने सवाल पूछा कि आखिर जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा है, उस मकान में उन्हें खुशहाली के साथ रहने का अधिकार क्यों नहीं है। रहिवासियों ने बताया कि कथित NCP नेता की प्रताड़ना इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें सामूहिक आत्महत्या के सिवा कोई और समाधान ही नहीं दिखता। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। इंदर ज्ञानेश्वर शेंडगे नावाचा एक व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स पावर दाखवून आमच्यावरती एवढा दबाव आणून देतो की आम्हाला अक्षरशः राहणं आणि आमचं जगणं एवढं हैराण करून ठेवलंय की आम्ही येणं जाणं आमच्या बायकांना जाऊन येऊन देत नाही, शिडीवरना वाईट नजरेने बघतो, आमच्या घरात आम्ही कामाला गेल्यानंतर आमच्या बायकांना घरात येऊन धमक्या देतो, तुम्हाला इकडनं काढून टाकेन, तुम्ही इकडे तुम्हाला राहून देणार नाही, असं तसं। तो असं त्याचं म्हणणं आहे की तुम्ही इकडनं निघून जावा, हे सगळं माझ्या मालकी हक्क आहे, मी हे सगळे तुमचे रूम हडपणार आहे, आणि ह्या दबावामुळे आम्ही एवढं अक्षरशः कंटाळलो नाही का, आत्महत्या करण्याशिवाय आमच्याकडे काहीच पर्याय राहिलेला नाही आहे। जेव्हापासून मी रूम घेतलेला आहे तेव्हापासून मला आम्हाला सारखे परेशान करते की तुम्ही रूम का घेतली, मला विचारलं का तुम्ही डायरेक्ट कशी रूम घेतली, अशा पद्धतीने आम्हाला सारखे टॉर्चर करत असते, एकदम असं हैराण करून टाकलेलं आहे आम्हाला की आम्ही करावं काय, मारावं की जगावं, हेच आमचं आम्हाला कळत नाही। मैंने घर रहने के लिए खरीदा है, मेरे परिवार के साथ में रहने के लिए खरीदा है, लेकिन वो लाइट काट देता है, पानी काट देता है, और मेरा गोल्ड का बिजनेस है उसको बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, तो फिर हम क्या करें। लाइट काट देता है, पानी काट देता है, और गुंडागर्दी दिखाता है।
और मेरे को खुद बोला है मारवाड़ी तेरा रूम मैं हड़प लूंगा, तेरे को इधर रहने नहीं दूंगा, कि गुंडागर्दी से मेरी पत्नी टेंशन में है। तो हमको न्याय चाहिए। 8 दिन से पानी बंद है, लाइट बंद है, हम लोग क्या करेंगे? हमारे छोटे बच्चे वो कहाँ पे जाएंगे? हम लोग उसको छोड़ के हमारा धंधा देखेंगे, काम धंधा देखेंगे कि इसके पीछे भागेंगे? क्या करेंगे हम लोग? हाँ, लाइट बंद करता है, कभी पानी बंद करता है, इसके हाथ पैर जोड़ो, ये करो, वो मेरे पास आ जाओ, ये कौन सी भाषा है उसकी? ये कौन सी भाषा है उसकी? ये न्याय करता है बोलता है, ये खुद का न्याय नहीं कर सकता, वो दूसरों का क्या न्याय करेगा? घर शेडगे ते क्या आम्हाला 4-5 दिवस झाले की पाणी कोणालाच नाही बिल्डिंगमधले, त्यांनी लाईट बंद केलेले, पाणी बंद केलेले, बिल्डिंगमध्ये 10-12 मुलं आहेत छोटी छोटी, त्यांनी त्यांचाही विचार नाही केला, आणि मी आज प्रेग्नेंट आहे 9 महिन्याची, त्यांनी आमचाही विचार केला नाही। वो बहुत परेशान करता है, वो आके मेरा रूम के लिए हडपता है, मेरा रूम लेना चाहता है, वो मेरे आदमी को मारता है, वो बोलता है कि इसको मारूंगा, हमको धमकी दिया है, हमको 3-4 दिन से रूम से बाहर निकाला है, मेरा खुद का रूम हो गया, मैं बाहर निकली हुई, भाड़े पे रहती हूँ, 9000 भाड़ा भरती हूँ, और हमको डराता है, मारने के लिए आता है रात को, अब फिर कहाँ जाएं हम लोग, क्या करेंगे फिर, कहाँ जाएंगे? आणि आज अशी कंडिशन आहे, मला शिवीगाळ करणे किंवा मला वारंवार धमक्या देणे, जीवे मारण्याची, आणि माझी गाडी जाळून टाकणे किंवा तुझी गाडी तोडून टाकीन, तू गाडी कशी चालवतो ते बघतो, एवढं तो आम्हाला टॉर्चर करतो, त्याची बायको जी आहे पुढे घाणेरडे शिवाय देते ना, की आम्हाला राहणं मुश्किल करून ठेवले, आमच्या येणे जाण्याच्या वाटेमध्ये टेबल ठेवणे, वाट बंद करणे, पाणी बंद करणे, लाईट बंद करणे, आमचे लहान मुले आहेत, परवा दिवशी लहान मुलगा एक पडला, डोक्याला वगैरे लागले, टाके वगैरे पडले, याला जबाबदार कोण? उद्या जर काही कमी जास्त झालं तर त्याला जबाबदार कोण? जानना जरूरी है की मल्हार अपार्टमेंट के 17 फ्लॅट में से सिर्फ 4 की ओनरशिप रखने वाला इंदर शेडगे नामक शख्स आखिर है कौन, जो पूरी इमारत का मालिक बनना चाहता है? स्थानीय लोगों की माने तो वह खुद को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सामाजिक और न्याय विभाग का जिलाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का खासम खास बताता है। आरोप है कि इसी राजनीतिक रसूख के दम पर वह सबको डराता धमकाता है और दावा करता है कि पुलिस उसकी जेब में रहती है। इतना ही नहीं, विरोध करने वालों को फर्जी एट्रोसिटी केस में फंसाने की भी धमकियां देता है। मल्हार अपार्टमेंट के रहवासी गवाही दे रहे हैं कि वह अब तक कईयों को एट्रोसिटी के फर्जी केस में फंसा चुका है। रहवासी कोपरखेर ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो उनकी मुसीबत को गंभीरता से सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मुंबई के पुलिस आयुक्त विपिन सिंह को शिकायत देकर न्याय देने की गुहार लगाई है। राष्ट्रवादीचा सामाजिक न्याय विभागाचा प्रमुख असं सांगून, अजित पवारांचा मला सपोर्ट आहे असं सांगून, तो पोलीस स्टेशन माझ्याच अंडरमध्ये आहे, तुम्ही कुठेही जावा, पोलीस पण काय तुम्हाला कोणच उभा नाही करणार, ही माझी बोलतो जबान आहे बोलतो, आणि मी तुम्हाला काय जातीचं आहे ना हे पण तुम्हाला दाखवतो बोललो। ॲट्रोसिटीच्या नावाखाली जातीच्या केसमध्ये फसवण्याचा प्रयत्न करतो, त्याने आजूबाजूला सगळ्यांना असंच या केसमध्ये फसवलेलं आहे, आणि याच्यापूर्वी अजून ही केस चालू आहे, एक त्यालाही फसवलेलं आहे। अशा व्यक्तीपासून आम्हाला खूप धोका आहे, आम्ही पोलीस स्टेशनला पण गेलो, कंप्लेंट केली, पण पोलिसांनी 2 वेळा आम्हाला रिटर्न पाठवलं, 3रा आमची कंप्लेंट पोलिसांनी म्हणजे घ्यायची म्हणून अशी घेतली दबावाने, आणि त्याच्यावर काहीच कारवाई केली नाही। आणि जे राष्ट्रवादी पक्षाच्या नावाखाली अजितदादा पवारांचं नाव घेऊन जे धमकी वगैरे देतो ते फार झालं, फार म्हणजे की आता नाकापर्यंत आलं। आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये वगैरे गेलो, तिथेही आमचं कोण ऐकून घेत नाही, आम्हाला काही न्याय तिथेही नाही मिळाला। आम्ही आता अशी आमची कंडिशन आहे की सहकुटुंब सहपरिवार आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही, आम्हाला जर न्याय मिळाला नाही तर याच्या पुढचं पाऊल आमचं आत्महत्या आम्ही करणार आहे। आता त्यांचे कंप्लेंट दिले पण पोलिसांनी काय आम्हाला एवढं जास्त सहकार्य, फक्त पोलीस आले आमच्या इथे आमच्या बिल्डिंगपर्यंत आले आणि त्याच्याशी काय संगनमत करून त्यांच्या खांद्यावरती हात टाकून त्यांनी फक्त आम्हाला लाईट आणि पाणी चालू करून दिलं। पोलीस स्टेशन में भी हम लोग जा रहे हैं तो उसकी उस पहले सुनवाई नहीं हो रही कुछ, मतलब आत्महत्या करने के सिवाय हमारे पास क्या जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं है ना, और क्या करें हम अभी आगे, तो हमको न्याय चाहिए। सरकारकडून एवढंच न्याय पाहिजे, न्याय जर दिला नाही तर आम्ही आत्महत्या करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही आहे। माझ्या नवऱ्याला धमकी दिली इंदर शेंडगेने, रात्रीचे जे अपरात्री येतात की तुझी रिक्षा जाळून टाके, आणि त्यात काही झालं तरी इंदर शेडगे जबाबदार राहील। 5 दिन हमको पाणी नाही छोडा था, लाईट भी नाही हमको दिया, क्योंकि हमने मेहनत से रूम लिए आहे, हे आम लोक तकलीफ हो रहे, म्हणजे आम्ही पैशाने रूम घेऊन आम्ही भिकारी बनू का? हे प्रार्थना आहे आमची उद्धव ठाकरेंना की आम्हाला न्याय द्यावा आणि आम्हाला आमचं शेप करून द्यावा, आम्हाला आमची जागा द्या, बस आम्हाला न्याय पाहिजे। सवाल ये है कि जो शख्स खुद को सामाजिक न्याय विभाग का मुखिया मानता है
वह अपनी ही इमारत के रहवासियों के साथ ऐसा न्याय कैसे कर सकता है। सवाल यह भी है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम का पावर दिखाकर सामान्य लोगों को डराना और धमकाना कितना जायज है। इन आरोपों पर टीवी वन इंडिया ने कथित एनसीपी नेता इंदर शेडगे से दो दिनों तक लगातार प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन न तो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया और न ही कैमरे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी समझा। हालांकि इस पर कोपरखेरने पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर प्रदीप तीदार ने यह भरोसा जरूर दिलाया कि किसी पर भी अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो दोषी होगा उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। उद्योग सरकार को न्याय दो, अजीत पवार को न्याय दो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।